प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर मध्य प्रदेश को बाहरी नेताओं की चारगाह बनाने का आरोप लगाया है। संसद में प्रदेश की समस्याओं को ना रखने की बात कही, साथ ही कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश को चारागाह मान लिया गया है, इसीलिए मध्य प्रदेश से तीन तीन चार चार राज्यसभा सदस्य दूसरे राज्यों के भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कमजोर किया जा रहा है, प्रदेश की आवाज संसद में कमजोर की जा रही है। भाजपा के प्रदेश नेता अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए एक दूसरे को निकम्मा नाकारा जाने क्या क्या कहने लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश की बात नहीं रख पा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के सभी पदों पर केवल प्रदेश के नेताओं को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही है।